ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा जिला के नूरपुर में भी भूकंप से बचाव राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। मेगा मॉकड्रिल के दौरान भूकंप के कारण स्थानीय अस्पताल की दीवार गिरने की सूचना मिलने पर बचाव राहत कार्यों को अंजाम दिया गया। जैसे ही भूकंप आने की सूचना प्राप्त हुई तो समस्त प्रशासनिक अमला जिसमें एनडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की टीमें राहत व बचाव कार्यों में जुट गई। आपदा प्रबंधन पर प्रदेश भर में करवाई गई मेगा मॉक ड्रिल के तहत कांगड़ा जिला के नूरपुर में भी भूकंप से बचाव व राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। मेगा मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप के कारण स्थानीय अस्पताल की दीवार गिरने की सूचना मिलने पर बचाव व राहत कार्यों को अंजाम दिया गया। जैसे ही भूकंप आने की सूचना प्राप्त हुई तो समस्त प्रशासनिक अमला जिसमें एनडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की टीमें राहत व बचाव कार्यों में जुट गई। गौरतलब है कि वीरवार को सुबह करीब 10 बजे जैसे ही भूकंप की सूचना मिली तो कुछ ही मिनटों में आपदा प्रबंधन की सभी टीमें स्टेजिंग एरिया चौगान मैदान में एकत्रित हुई तथा घटनास्थल के लिए रवाना हुई। इससे पहले पूर्वाभ्यास में ऑपरेशन सेक्शन, प्लानिंग सेक्शन, लॉजिस्टिक स्टेजिंग क्षेत्र, फाइनेंसिंग, राहत बचाव कैंप, आपातकालीन सेवाएं बनाए गए थे, जिसमें एनडीआरएफ, गृह रक्षा, पुलिस, होमगार्ड के जवानों के द्वारा जागरूक किया गया। भूकंप के कारण बचाव, भूकंप से पहले तैयारी और भूकंप सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचाने और घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बचाव के गुर सिखाए गए। SDM डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान बचाव और राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। राहत और बचाव कार्यों का समस्त संचालन स्टेजिंग एरिया चौगान मैदान से किया गया। इस बीच भूकंप से प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जो लोग घायल हुए उन्हें एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल में उपचार दिया गया, जबकि गंभीर घायलों को दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल का मकसद सभी विभागों के द्वारा आपदा के दौरान अपनाए जाने वाले सिस्टम का आंकलन करना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो कमियां उजागर हुई हैं उन्हें दुरुस्त भी करना है। SDM ने बताया कि किसी भी आपदा के दौरान लोगों को अफरा तफरी न मचाकर सभी प्रकार की अफवाहों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मौके पर सभी को संयम से काम लेते हुए बचाव की समस्त प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। आज 9:50 पे सिचुएशन यूनिट को एक सूचना मिली डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि सिविल हॉस्पिटल नूरपुर की एक दीवार जो है गिर गई है और उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। हमने इमीडिएटली जो है प्लानिंग सेक्शन को आदेश किया और प्लानिंग सेक्शन ने लॉजिस्टिक और ऑपरेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है एक दो एम्बुलेंस और साथ में एक JCB, इसके अलावा 45 के आसपास जो है PWD की लेबर और होमगार्ड के जवान और कुछ टिप्पर्स के साथ जो है मेडिकल टीम और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम हमने रिलीफ टीम्स को हमने यहाँ से रवाना किया। मौके पर पहुंचने पर पता लगा कि कुछ उसमें 200 के आसपास लोगों के फंसे होने की हमें सूचना मिली। सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया और उसके पश्चात जो है ऑपरेशन ख़त्म होने के समय तक हम लोग जो है 23 बॉडीज़ को वहाँ से डेड बॉडीज़ को हम वहाँ से निकाल पाए और 160 व्यक्ति जो है हम घायल पाए गए। उनमें से उन सबका इलाज जो है हॉस्पिटल में हमने करवा दिया। कुछ लोगों को क्रिटिकल इंजरी वालों को जो हमने यहाँ से जो है हायर सेंटर्स के लिए रेफ़र किया है। हमारी उसके पश्चात हमने जो है ऑपरेशन जो है हमारा मेगा मॉक ड्रिल हमारी जब ख़त्म हुई तो उस समय हमने एक एक्सरसाइज और की जिसमें हमने ड्रॉप कवर एंड होल्ड एक्सरसाइज जो है वो की है। ये एक्सरसाइज हमारा एक सफल ऑपरेशन रहा। हालांकि हमारे पास जो है कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ और मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल डिपार्टमेंट्स की तरफ से कुछ कुछ है लेकिन हॉस्पिटल्स हमारा जो है वो इतनी जो है इंजरीज़ को और इतनी डेथ्स को जो है प्रॉपरली इफेक्टिवली मिटिगेट करता है।